Good afternoon, students. Welcome back to your online classes. So I hope you all are safe and doing well in your studies. In our last video, we have completed up to question number 5 of exercise 8.2. And now today, we are going to continue with question number 6. Between which two numbers in 10th place, 10th place on the number line does each of the given number lie? अब यहाँ पे हमें जो नंबर दिए हैं हमें बताना है कि किन दो नंबर के बीच में लाए रखते हैं 10th प्लेस पे। तो देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें जो भी नंबर गिवन है हम देखते हैं कि वो 10th प्लेस पे किसके बीच में लाए जा रहा है। हम कौन से नंबर देखते हैं, कौन से नंबर चेक करते हैं, जो 10th प्लेस का नंबर है वो। अब 0.06 ये किसके बीच में लाया करेगा, देखिए ये है 0.0 राइट। सो ये लाया करेगा 0.0 एंड 0 के बाद क्या आता है 1, सो 0.1। सो ये 0.06 किसके बीच में लाया जाएगा, 0.0 एंड 0.1। अभी ऐसा क्यों कि ये 0.6 जो है 0.0 एंड 0.1 के बीच में लाया जाएगा, ऐसा इसलिए बिकॉज अगर हम 0.00 लिखे और 0.10 लिखे, 0 तो हम लिख सकते हैं ना आगे, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो इसके बीच में अगर हम देखें तो क्या आएगा, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 एंड देन 0.10 राइट। सो ये 0.06 के बीच में लाई करना है 0.00 एंड 0.10 बिकॉज हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो 10th प्लेस पे है। सो 0.0 एंड 0.1 के बीच में लाई कर रहा है 0.06। सो 0.06 इसके बीच में लाई कर रहा है 0.0 एंड 0.1। नाउ नेक्स्ट इज बी। अब इसको भी हमने कंपेयर किया तो 10th प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 4, मींस ये इसके बीच में लाया करेगा 0.4 एंड 4 के बाद क्या होता है 0.5। सो 0.5 अब 0.45, 0.4 और 0.5 के बीच में कैसे लाई करेगा, ये जो 0.4 लिखा हुआ है ये इसके आगे हम 0 लिखते हैं तो ये क्या बन गया 0.40, इसके बाद क्या आएगा 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45 ऐसे करते करते क्या आ जाएगा 0.50 राइट। सो 0.45 किसके बीच में लाई कर रहा है, अगर हम 10th प्लेस से देखें तो 0.40 और 0.50 मीन 0.4 एंड 0.5। नेक्स्ट इज सी 0.19। अब इसमें भी हमें 10th प्लेस चेक करें, सो 10th प्लेस पे लिखा है 1 मीन्स किसके बीच में लाई करेगा 0.1 एंड 1 के बाद क्या आता है 2, सो 0.2 मीन्स अगर हम दोनों के आगे एक जीरो और लगा दें तो क्या बन जाएगा 0.10 एंड 0.20। सो ऐसे ही हम देखें सो 0.10, 0.11, 0.12 ऐसे करते करते 0.18, 0.19 एंड देन 0.20। सो ये 0.19 किसके बीच में लाई कर रहा है 0.10 एंड 0.20 मीन्स 0.1 एंड 0.2। नाउ नेक्स्ट इज डी 0.66। सो हमने उसको देखा उसको लिखा हुआ 0.6 और इसके बाद क्या आता है 0.7 मीन्स 0.60 से अगर हम देखिए 6.60, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69 एंड 0.70। सो ये जो 0.66 है कहाँ लाया कर रहा है 0.60 एंड 0.70 अगर हम 10th प्लेस पे देखें। सो 0.6 का हमें लिखेगा 0.6 एंड 0.70 का हमें लिखेगा 0.7। सो 0.66 इसके बीच में लाया कर रहा है 0.6 एंड 0.7। नाउ ई 0.92। अब 0.92 किसके बीच में लाया जाएगा 0.9। अब 0.9 के बाद 9 के बाद क्या आता है 10। सो
यहाँ पे लिखा 0.10, तो 0.10 का मतलब तो 0.1 भी हो सकता है, यहाँ अगर मैं 0 ना लिखूं तो. सो देखिए ये क्या हो गया हमारा 0.90, 0.91, 0.92, ऐसे करते करते 0.99, राइट, देन 0.100, राइट. सो बेसिकली ये 0.92 किसके बीच में लाइक कर रहे हैं, 0.90 एंड 0.100. अब ये 0.100 लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, 1.0. जैसे 0.00 क्या होता है, 0, ऐसे 0.100 इसको भी तो हम मान ले सकते हैं. अगर हम नंबर लाइन में इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मीन 0.00, 0.01 से लेकर 0.99, देन 0.100, तो जो स्टार्टिंग का 0.00 होगा वो क्या होगा, 0, एंड 0.100 क्या होगा, 1, राइट. सो ये किसके किसके बीच में आया है, 0.9 एंड 1.0. Now next is F, 0.57. So ये किसके बीच में लाइक कर रहा है, 0. यहाँ पे क्या लिखा है, 5, 5 के बाद क्या आता है, 6, ये 0.6, 0.5 एंड 0.6. अब अगर हम चेक करें तो 0.50 से लेकर 0.60 के बीच में लाइक करेगा 0.57. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स. अब यहाँ पे हमें जो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है और फिर उसको लोएस्ट टर्म्स में बताना है, मतलब जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी उसमें लिखना है. सो जो भी हमें डेसिमल दिया हुआ है इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे. सो फर्स्ट इज ए 0.60. सो 0.60 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सो 0.60 इसका डेसिमल हमने हटाया. सो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स. सो कितने जीरोस आ गए यहाँ पे, 2 जीरोस. सो 60/100, 0 से 0 रिड्यूस हो गया, 6.6/10. अब इसको हमने 2 की टेबल से रिड्यूस किया, दोनों नंबर जो है 2 की टेबल में आते हैं. सो 2 3 6 एंड 2 5 10, सो 3/5, 3/5 क्या आ गया इसकी लोएस्ट टर्म, सो 3/5 इज द आंसर. नेक्स्ट इज बी, 0.05. अब इसमें हमने डेसिमल रिमूव किया, सो 0.05/ डेसिमल रिमूव किया तो कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स. तो कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस. सो ये क्या हो गया, 5/100. अब ये 5 और 100 ये किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में. सो 5 1 5, 5 2 10 एंड 0 एज इट इज. सो आंसर क्या आया हमारा, 1/20. सो 1/20 जो हमारी लोएस्ट फॉर्म आ गई. नेक्स्ट इज सी, 0.75. सो 0.75 इसका हमने डेसिमल रिमूव किया, सो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स. सो 2 जीरोस आ गए. सो ये क्या हो गया, 75/100. अब 75/100 ये दोनों ही डिजिट नंबर जो है किसके टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में. सो हमने 5 से इसको रिड्यूस किया, 5 1 5, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो आ गया 25, देन 5 5 25. नाउ दिस 5 2 10, 0 एज इट इज आ गया 15/20. 15/20 को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, सो 5 3 15, 5 4 20. सो आंसर क्या है, 3/4. अब 3/4 तो रिड्यूस हो नहीं सकता, सो 3/4 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज डी, 0.18. सो 0.18 का हमने डेसिमल रिमूव किया, सो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स. सो 2 जीरोस आ गए नीचे, सो 18/100 ये किसकी टेबल से रिड्यूस हो सकता है, 2 की टेबल से. सो 2 9 18, 2 5 10 एंड 0 एज इट इज आ गया 9/50. अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर जो है रिड्यूस हो जाए, सो 9/50 इज द आंसर.
Now next is E, 0.25. So 0.25 is the हमने convert किया fraction में. So decimal remove किया, कितनी digits हैं? Decimal के बाद 2 digits. So 2 zeros आ गए. So 25/100. 25/100 को हमने कैसे reduce किया? 5 की table से. So 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 and 0. Again 5 1 जा 5 and 5 4 जा 20. So answer is 1/4. Now next is F, 0.125. अब यहाँ पे decimal के बाद 3 digits हैं. So 0.125 इसको हमने convert किया fraction में. So decimal हटाया, कितने digits हैं यहाँ पे? 3 digits. So नीचे कितने zeros आ जाएंगे denominator में? 3 zeros. So ये कितना है? 125/1000. अब इसको हमने reduce किया again किससे? 2 के table से. Sorry, 5 के table से. So 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे shift हो गया 25 and 5 5 जा 25. This is 5 2 जा 10 and 2 zeros. Now 25/200. 25/200. Again ये 5 की टेबल से हो जाएगा, 5 5 जा 25 5 4 जा 20 and 0. 5/40. Again 5 की टेबल से हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 8 जा 40. So answer is 1/8. Now next is G, last part of this question, 0.066. So इसका हमने decimal remove किया. So decimal हटाया, कितने digits हैं decimal के बाद? 3 digits. So नीचे कितने 3 zeros आ गए. So this is 66/1000. अब 66/1000 ये 5 की टेबल से तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ का 6 है. सो ये 2 की टेबल से हो जाएगा. सो 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0 and 0. अब ये क्या है? 33/500. ये कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे रिड्यूस हो जाए. सो 33/500 इज द आंसर. I hope this question is clear to you and exercise 8.2 is completed.